So guys, this is भीमाशंकर मंदिर and 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है हर महादेव। नहीं मैं पेड़ पे बहुत चढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा। और ये कृष्णा चढ़ी आम के पेड़ पे आम चुराने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिल गया। हम लोग आए हैं खेतों में और यहाँ पे हमने देखा दीदी जो है वो मेथी जो होती है वो तोड़ रही है फ्रेश। तो आज हम मेथी लेते हैं और रात को खाएंगे आलू मेथी फ्रेश। This is the Sheetala Mata Mandir. Where is it, Mama? Irla. Irla के पास आता है ना? So यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है। Don't slip up, be careful, बेटा। गौ माता को खिलाने के लिए। So we are here at Vijay Sales to buy one AC for our hall and because वहाँ पे दूसरा वाला AC नहीं लगा सकते। So So this is the AC which we can move anywhere, everywhere. It's quite nice. This is for 38,000 and it's a gift from Dilu. So mom is doing bargaining और जब भी वो bargain करती हैं तो मैं वहाँ से निकल लेती हूँ, कट लेती हूँ because मेरे लिए बहुत embarrassing हो जाता है। But no, she's good. Everybody should do it. Good morning guys, by the way it's 11:11, new day, everything is new. मैं पुरानी, मम्मा का नाइट सूट पुराना। So today I'm gonna make that vlog जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, होम टूर। अभी तो घर बहुत गंदा हो रखा है, जैसे ही झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को होम टूर दूंगी। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आज हम लोग कुछ फैंसी खा रहे हैं। दीदी ने कुछ अलग सा बनाया है, तो आई विल शो यू क्या बनाया है। सो दीदी ने नूडल्स बनाए हैं लेकिन कुछ अलग तरह की थोड़ी ग्रेवी बनाई है उन्होंने आमंड्स की और कुछ बहुत सारे वेजिटेबल्स डाले हैं इसमें। चलो मम्मा खा के देखते हैं कैसा बना है। फिर आप भी बनाना मम्मा पापा के लिए। पापा नूडल्स खाते नहीं, मम्मा पापा ये बोलते हैं नूडल्स बहुत हेल्दी होते हैं। फॉर सम रीज़न मेरे पापा को लगता था कि नूडल्स बहुत हल्के होते हैं और बहुत हेल्दी होते हैं, पता नहीं क्यों। बट चलो बता दिया था पापा को कि नूडल्स हेल्दी नहीं होते हैं। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई यू नो स्टार्टेड माई ब्लॉग एट 11:11। बाय द वे ये व्हीट नूडल्स हैं, व्हीट से बने हैं, गेहूँ से बने हैं। इट्स नाइस, तो डिफरेंट है तो बहुत टेस्टी है। गुड जॉब दीदी, गुड वर्क बिपाशा। आपको नहीं मिलेगा, आपने अपना खाना खा लिया है। ये देखो दिस लिटिल वन इज चेजिंग सम कैट। पागल है बेचारी, बिल्ली को इतना पकाया। नॉट ड्रिंकिंग एनीथिंग बेटा, हेलो वाटर। It's been 4 hours of waiting. Okay. And we're still waiting. Good morning everyone. This is Krishna Mukherjee and welcome back to my channel. और by the way भी सुबह के 4:30 बज रहे हैं and mama is all ready. तो हम लोग जा रहे हैं। Actually mama का बहुत ज़्यादा मन था भीमाशंकर जाने का। So हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, महादेव का नाम लेके हम लोग निकल पड़े हैं और बस अब जल्दी से पहुंच जाएं, उनके दर्शन कर लें, अच्छे दर्शन हो जाएं हमें। और उसके बाद फिर बस मम्मा उसके बाद शिवलिंग के दर्शन करना चाहती हूँ। मेरा तो बहुत मन है काशी विश्वनाथ, सोमनाथ। सोमनाथ एक्चुअली गुजरात में दो हैं, तो एक सोमनाथ है, नागेश्वर है, नागेश्वर मेरे ख्याल से नागेश्वर और सोमनाथ दोनों हैं, तो वो भी करवा देंगे इसी साल, डोंट वरी। हाँ बाय द वे, यहाँ पे हम भीमाशंकर जा रहे हैं, वहाँ पे मेरे पापा केदारनाथ जा रहे हैं, मतलब महादेव की कृपा ही कृपा। हेलो अंजलि, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग। अंजलि जो है वो बिल्कुल भी सोई नहीं है, और अंजलि अपने घर से फूल लेके आई है। कौन सा फूल लेके आई है? अपराजिता। अपराजिता जो फूल होता है शिव जी को चढ़ाते हैं, वो घर से लेके आई है। दिस इज रियली स्वीट। आई होप तुम्हारी सारी जो सपने हैं सब पूरे हो जाए। तुम्हारे मुँह में बहुत सारा चॉकलेट्स। ओके, डाइट कर रही हूँ वैसे मैं। तुम ये बोल रहे हो तुम पतली हो जाओ, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाए और एक अच्छा सा शो भी मिल जाए। थैंक यू। मेरी जुबान बहुत अच्छी है, तुमको तुम्हारे पैसे मिलेंगे, शो भी मिलेगा बहुत अच्छा। थैंक यू। अंजलि डोसा खाएगी? थोड़ा हार्ड है। हार्ड तो ठीक है, बहुत गंदा है। इट्स ओके। रोड की मिट्टी से थोड़ा टेस्ट ज़्यादा हो जाता है। ये जो पीछे पड़े हैं ना पीले पीले, ये हम बचपन में ऐसे खाते थे, वो फिंगर्स में लगा लेते थे और क्रैक्स होते थे ना, वो सब फिंगर्स में लगा के फिर हम ऐसे 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 से खाते थे। पता नहीं, अलग ही फैंटेसी थी हमारी, अलग ही मज़े आते थे वो सब करने में। एक्चुअली हमारा बचपन बहुत अच्छा था। हाँ मम्मा, पता नहीं यहाँ पे कुल्हड़ वाली चाय है तो बस पी लेते हैं। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला कि चाय पी सकते हैं थोड़ी सी, पर दूध नहीं पी सकते, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप पी सकते हैं। ओह माय गॉड, ये इमली पहले फ्लाइट्स में मिलती थी। चाहिए क्या इमली? सॉरी, ये चाहिए नहीं। मम्मा मस्त चाय के साथ। ये क्या है मम्मा? फ़ैन। बचपन में फ़ैन ही बोलते थे, पता नहीं क्या बोलते हैं। सबसे पहले हम पानी पियेंगे, उसके बाद हम चाय पियेंगे थोड़ी सी ताकि नींद उड़ जाए। हाँ, हैव वन रस्क। 40 वाला नहीं, मीठा बहुत है। अच्छा है पर मीठा बहुत है, क्योंकि रास्ता ऐसे घूम 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 के जा रहे हैं। हमें तो इतनी आदत हो गई है ना मम्मा, बचपन से ऐसे ही निकल जाते थे। कहाँ जा रहे हैं? चिंतपुर नहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वैष्णो देवी जा रहे हैं, ज्वाला देवी जा रहे हैं। बहुत घुमाए हमारे माँ बाप ने हमें। सुमित भी ऐसे ही बोलता है। सुमित भी यही बोलता है, बचपन में कहाँ घूमने जा रहे हैं? चिंतपुर नहीं जा रहे हैं, ज्वाला देवी जा रहे हैं, कांगड़ा देवी जा रहे हैं, बगलामुखी जा रहे हैं। माता में घुमा दिया, माता जाना क्या दिल नहीं करता। नहीं दिल तो नहीं, बुलावा आता तो हम जाते हैं। चले जाते हैं। अभी जैसे भीमाशंकर का आया बुलावा तो हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। लुक एट द क्लाउड्स। अच्छा मौसम, कितने प्यारे बादल है वहाँ पे। मुझे पता नहीं था कि चिक्की का इतना फैला हुआ बिजनेस है, मुझे बताया नहीं कि मेरा पति इतना अमीर है, इतना ज्यादा अमीर है कि हर जगह चिक्की चिक्की की दुकानें हैं। यहाँ पे हुआ बिजनेस है हमारा। सब जगह इंपोर्ट करते हैं हम, सब जगह। आपने शायद सुना होगा चिक्की टेक्सटाइल। बहुत लोगों को उधार देते हैं, बहुत लोग। आपको भी दिया होगा? देखूंगा देखूंगा, साथ देखूंगा। टोपी आपका बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहाँ से लिया आपने? ये टोपी एक्चुअली मैंने न्यूयॉर्क से लिया था। अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया। ये बहुत अच्छा, टोपी भी बहुत सूट कर रहा है आपको। और अंदर का ऐसा लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तलवार। ये जैकेट आपने कहा से ली? ये जैकेट मैंने अमेरिका से लिया। वेरी नाइस। साला ये भी फेंकू और ये भी फेंकू, शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है। This is too good, too good. और ये जो है हमारी फेवरेट मूवी है। लाइक लिटरली हम कभी भी देख सकते हैं, कितनी बार देख ली तो भी मन नहीं भरता, हम कभी भी देख सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। अरे इधर उधर क्या देख रहे हैं, इधर इधर देखिए, इधर इधर अरे इधर इधर बाकी चैनल्स का देख रहे हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, कृष्णा मुखर्जी का चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा ऑलरेडी प्रोफेशन फोटोग्राफी का है। अच्छा अच्छा, मेरे को आइडिया थोड़ा सा मालूम है। उसके ऊपर ले, हां जूम करो, जूम करो, कर लिया हम तब से शूटिंग कर रहे हैं दीदी। होने के बड़ा कैसेट रहता था जी 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 जी, शादियों में बड़ा कैसेट रहता था। होने क्या VHS वाला उस टाइम से। महाकाल डालूं बड़े, इसमें महाकाल अच्छा दिखता है। हम सब भीमाशंकर है, ये महाकाल है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे महाकाल का ट्रेंड है। अच्छा ट्रेंड है वो हमें मालूम पड़ रहा है। ट्रेंड सेटर है भाई, हम डिसाइड करते वही होता है। अभी हवा भी आ रही है ना सर, तो हम ही डिसाइड करते हैं आएगी कि नहीं। और सुशांत सिंह राजपूत मरेगा कि नहीं होगा, हमने डिसाइड किया। कुछ भी कुछ भी भैया, आपने जो बोला वो मैंने वही सुना ना अभी वही बोला ना, सुशांत सिंह बोला, मैंने बोला उससे फोन आया था। तिल की लकड़ी से ही म्यूजिक बज रहा है, so this is like amazing. Thank you uncle। मम्मा ये चल लेंगे, फिर भी सीढ़ी से नहीं चढ़ा जाएगा उनसे, फिर ना प्रॉब्लम होगी। पर रास्ता जो है बहुत अच्छा है, मतलब धूप नहीं है, छाँव है, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है यहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सो ये जो मार्केट है ये लिटरली वैष्णो देवी की मार्केट जैसी लग रही है। मम्मा को बेचारे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्टेयर्स हैं इसलिए, बट महादेव विल गिव अस स्ट्रेंथ टू वॉक। मंदिर एंड 12 ज्योतिर्लिंग में से ये एक ज्योतिर्लिंग है। एंड अगर कोई भी आया नहीं है यहाँ पे, तो प्लीज़ बाहर से यहाँ पे दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। क्या खा रहे हो तुम लोग? प्रसाद है, खिचड़ी प्रसाद, साबूदाना खिचड़ी प्रसाद है, सब खा रहे हैं। मेरी मम्मा का फ़ोन इतना बजता है यार, मम्मा मंदिर में लगे हुए बातें करने, मम्मा चले गए सबको दर्शन कराने, और वहाँ पे फोन अलाउड नहीं था। प्रसाद ले लीजिए फ्रेंड्स, सबके लिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। क्या है दादा ये? ये भीमा नदी का कुंड है। भीमा नदी का कुंड है, उगम स्थान। फोन पे यूट्यूब पे सबको बोल दो हर हर महादेव, हर हर महादेव, भीमाशंकर, शिव शक्ति। ठीक है, हर हर महादेव। सो यहाँ के पेड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ये पेड़े। और ये भैया टेस्ट करवा रहे हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा है। दोनों अच्छे हैं, लेने मम्मा। एंड लुक एट दिस बेबी। अब वी गोना हैव नींबू पानी and we'll hydrate ourselves. Hello Mahadev. Nice. गर्मी में नींबू पानी पीना चाहिए। क्या हवा है, मजा आ रहा ना। So, ये है पीछे जो दिख रहा है करजत है, ये पूरा करजत है। और अगर लोग यहाँ से करजत से ट्रैक करके आएँ तो लिटरली 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ड्राइव करके आओ तो इमेजिन 4.5 घंटे लग जाते हैं। हर हर महादेव। यहाँ तो बूझ ही नहीं रही। पेप्सी हो गई। कृष्णा आया दादी बाय झाडाची फळे इथं आपल्या झाडाची फळे इथं करवंद जाळीची क्या बोल रहे दादा हो गोडा का एक अर्धा आंबट असता या या ले भारी लागतात मोठी मोठी लोक खातात बाबा जंगल से लेके आते हैं लोग। अच्छा 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 मतलब आंटी गुस्सा हो गई नहीं गुस्सा नहीं है जंगल से लेके आए ये साल में एक अरे फड़े फड़ अच्छा नमक के पानी में डालते हैं क्या करो करवंदा क्या बिना तो खा लूं क्या करवंदा क्या करवंदा करवंदा क्या करवंदा क्या कर टेल मी कि कैसा लगता तुम्हें खाने में गरम गरम किस तरह का आपका ठीक है अच्छा तो ये जो है गाइस इसमें हम नहीं मतलब ये लोग जो हैं जो नेचुरली दारू बनाते हैं। किससे बनता है दादा दारू? देसी दारू बनते हैं देसी दारू का रहता है कुछ तो प्लांट फूल लेके आते हैं फूल वगैरह लेके आते हैं और इसमें दारू बनाते हैं। सो कूल आई थिंक नीचे जो है यहाँ पे इसमें आग लगाते हैं। फाइनली वी हैविंग लंच। ये फ्राइड राइस है और ये दोनों हैं नहीं मम्मा दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था तो ये एक ही रेस्टोरेंट दिखा। बाय द वे ये दादा का गांव है तो दादा ने बोला कि यहाँ तो दूर दूर तो कुछ नहीं है जो भी है यही है खा लो और बहुत भूख लगी थी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं तो कुछ ऑप्शन नहीं तो खा लिया हमने। अच्छा बना है नाइस। तो हम आए हैं किरण दादा के गाँव में। किरण दादा का गाँव यहीं पे था तो उनका बेटा यहाँ पे रह रहा है। हाँ ससुराल आए किरण दादा के ससुराल में और मेरे को स्पेशली एक चीज का लालच दे के लेके आए हैं एंड आई एम गोना शो यू व्हाट। ये देखिए लुक एट दिस और उन्होंने बोला है कि उनका है और मैं लेके जा सकती हूँ। ये है हमारे दादा के बेटा वो ये बिल्कुल उनकी ऐसा लगता है बिल्कुल तिलक भी ऐसे लगाए हैं। थैंक यू सो मच। तुमको पता है दीदी आम चुराने वाली थी तुम्हारे पेट से। ये देखो आम चोर कृष्णा मुखर्जी। अरे अब इतनी आसानी से ऊपर किस चढ़ गए गिर मत जाना है मेरे सर पे गिरेगा वही माँ ये गिरा यार मैं भी चढ़ सकती हूँ वैसे तो ऐसे कृष्णा आराम से ओके बचपन याद आ गया निकाल रहे हैं। और ये कृष्णा चढ़ी आम के पेड़ पे आम चुराने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यार हम लोग कलकत्ता में कितना चढ़े पेड़ में पता है I can literally go there also। नहीं अरे हमारे ऊपर अरे मेरे सर पे गिरेगा मेरी ये नया बिजनेस प्लान है कृष्णा मुखर्जी का जो यहाँ पर वो एक्सप्लोर करने आए हैं चोरी के आमों का बिजनेस करेंगे बिजनेस। कैसा लग रहा है मैडम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा मजा आया एकदम। तुम चढ़ के देखोगी मैं दुनिया ही बदल गई। नहीं मैं पेड़ पे बहुत चढ़ी हूँ बहुत ज्यादा। मिल गया कंटेंट उसे कहा अबे चल खाने को दे रही है तो दे। क्या हुआ कृष्णा हार्ट बीट थोड़ी बढ़ गई है। लोडिंग ये ले हक दिया तेरे घास पे। लोड और अनलोड साथ में एकदम फटाफट डाइजेस्ट। ये बैंगन है पीले बैंगन आए ये तो पीला है हाँ। गाइस वी हैव बैंगन हियर बट इन पीला कलर। सो गाइस हम लोग आए हैं खेतों में और यहाँ पे हमने देखा दीदी जो है वो मेथी जो होती है वो तोड़ रही है फ्रेश। तो मैंने उनको पूछा है कि क्या वो हमें देंगी थोड़ी मेथी मतलब पैसे दे देंगे तो उन्होंने हाँ बोला तो आ जाओ मेथी देते हैं आज रात को खाएंगे आलू मेथी फ्रेश भी हो जाएगा ऑर्गेनिक। अरे 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 आराम से पुदीना भी है। सो इफ यू कैन सी ये जो छोटे छोटे पत्ते यहाँ पे हैं ये धनिया है लाइक फ्रेश धनिया। और क्या क्या है यहाँ पे कितने का दिया 30 हाँ 130 का होता है 20 पता है मुझे नहीं अरे ले ले यार कोई हाँ हाँ कोई भी ले लूँ चलो हम ये वाला ले लेते हैं फ्रेश है घर जाके खाएंगे। So guys now we are having and मुझे ट्रे बना दिया है हम सब खराटे मार के सो रहे थे और दादा बोलते कि ऐसे चलेगा नहीं, इनको सबको उठाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, बहुत भूख लगी है इसलिए हम खा रहे हैं पार्ले जी जो मैंने गाड़ी में रखे थे देने के लिए लोगों को, क्योंकि जब आके पैसे मांगते थे मैं पैसे नहीं देती हूँ, मैं उनको बिस्किट देती हूँ। इतनी भूख लगी थी कि हमने बिस्किट खा लिया और इसको बहुत जोर से सुसु आ रहा है और यहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, हम ट्रैफिक में फंसे हैं। कृष्णा का कहना है कि अगर मैं बिस्किट खाऊंगी तो ये सुसु को सोख लेगा। ये मैं मानसिक सोचना ठीक नहीं, मुझे घर जाना है बस। साइंटिस्ट बन रही है इस टाइम पे, इन्होंने ये नया वो निकाला है। डाइवर्ट योर माइंड, व्हाई डोंट यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस। आओगे पागली जी चिप्स सुसु सो करे कोई नहीं ऐसा पागली जी जैसा। सो गाइस, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और आप लोगों को दर्शन भी अच्छे हुए हों। मैंने चुपके से एक वीडियो बना ली थी, वैसे वहाँ पे अलाउड नहीं था। मैंने अंकल के सामने जो वहाँ पे पुलिस थी उनके सामने डिलीट तो कर दी थी, बट रिसेंटली डिलीट से मैंने सोचा तो रिकवर कर लेती हूँ और डाल देती हूँ आप, ताकि आप लोग सब दर्शन कर लो। आई नो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट आप लोगों को भी तो दर्शन करवाने हैं ना। तो येस, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड व्यूज़ बढ़ाओ प्लीज़।